हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारती किचन। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए साउथ इंडियन बहुत ही पॉपुलर डिश मेदू वड़ा। इसे चटनी के साथ या सांभर के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मेदू वड़ा बनाने के लिए ना हमें उड़द की दाल चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैंने ये धुली हुई उड़द ली है और एक कटोरी उड़द ली है मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दाल को ना हमने भिगाना है और इसे हम 7 से 8 घंटे हमने इसे पानी में भिगाना है। तो मैं इसे एक बाउल में रख देती हूँ और सबसे पहले ना इसको 3-4 बार अच्छे से हम पानी से पहले धो लेंगे। तो इसको धो लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने दाल को धो लिया है और अब ना इसको 7 से 8 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देते हैं। और पानी डाल दिया मैंने इसमें खूब सारा जिससे ये अच्छे से भीग जाए। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। 7 घंटे हो गए हैं और देखिए मैंने इसका पानी भी निकाल दिया और ये कितनी अच्छी फूल गई है, कितनी बढ़ गई है। तो अब ना इसे हमने मिक्सी के जार में रखना है और इसको पीसना है। दाल को ना हमने बिल्कुल ही बारीक पीसना है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट ना बने। तो इसके लिए ना हमें मिक्सी के जार को रोक रोक के चलाना पड़ेगा और साथ में उसको ना बीच बीच में चम्मच से हमें घुमाना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि इसे बारीक पीसने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी इसको अच्छा सा बारीक पीस लिया है और मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब ना इसे मैं इस बाउल में उतार लेती हूँ। अगर हमारा ये पेस्ट पतला होता है ना तो फिर हमें वड़ा बनाने में दिक्कत होती है और वो बहुत चिपचिपे और गीले से बनते हैं, इसलिए हमें इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए और दाल अच्छे से पीसी हुई होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मेहनत करने का टाइम आ गया है और इस दाल को ना हमने ऐसे हाथ से अच्छे से फेंटना है। तो इसे अच्छे से फेंटेंगे हम जिससे कि ये हल्की हो जाए और इसके अंदर जब एयर ऐसे ट्रैप हो जाती है ना तो हमारे वड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे फूले से बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ऐसे ही बस एक डायरेक्शन में हम इसको अच्छे से फिटेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो इसको अच्छे से ऐसे ही घुमाते जाएंगे हाथ से और मैंने भी ना इसे तकरीबन 10 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे ही हिलाया है, ऐसे ही फेटा है। तो इसको ऐसे ही फेटते जाएंगे। मैंने इसे फेटने के लिए हाथ का ही इस्तेमाल किया है। आप भी इसे हाथ से ही फेटें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसी से ये अच्छे से फेटे जाते हैं। तो देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है और देखो मैं इसे ना उल्टा कर रही हूँ और अभी भी ये पेस्ट नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये पेस्ट एक तरीके से तैयार हो गया है। और सेकेंड टेस्ट करते हैं इसका कि मैंने यहाँ एक बाउल में पानी लिया है और अब थोड़ा सा लेके ना पेस्ट को हम इसमें डिप करेंगे और आप देखिए कि ये फ्लोट कर रहा है, ये पानी में डूबी नहीं है दाल, ये तैर रहा है। तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा हल्का हो गया है पेस्ट और ये मेदू वड़ा का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। मेदू वड़ा को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ एक बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और फ्रेश कोकोनट इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और साथ में 1/2 इंच करीब अदरक इसको भी मैंने चॉप कर रखा है और थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्चें हैं। तो इन सबको ना मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अच्छा यहाँ ना ऑप्शनल है, आपको प्याज इसमें नहीं पसंद है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। मुझे अनियन बहुत अच्छा लगता है और ये कटी हुई मिर्चें जब बीच में थोड़ी थोड़ी सी मुँह में आती है ना तो ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से ना टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इन सबको मिला देते हैं और साथ में ही ये मैंने 10-12 कड़ी पत्ता रखे हैं और इनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं हाथ से इसको तोड़ के डाल रही हूँ, आप चाहें तो नाइफ से मोटा मोटा सा काट के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम डालेंगे हींग। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग ली है और साथ में ली है 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो इसको भी मिक्स कर देते हैं और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे थोड़ा हल्का ही रखना है, मैं बस 1 चम्मच करीब ही डाल रही हूँ
और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज नमक इसमें अच्छा नहीं लगता। तो बस अब इन सब चीज़ों को हम मिला देते हैं और इस बैटर को ना एक ही डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसको अच्छे से अभी फिट के फ्लफ़ी किया है, तो बस ऐसे ही इसको एक तरफ को ही घुमा के हम ये सब चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको लगे ना यहाँ पे मिक्स करते हुए कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा पतला हो गया है और उससे आप नहीं बना पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, इसमें ना चावल के आटे को भी मिक्स कर सकते हैं। सूखा चावल का आटा यहाँ पे आप इसमें मिक्स कर दीजिए, जिससे कि इसका जो गीलापन होगा ना वो ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से ना क्रिस्पी भी हो जाते हैं उससे। तो मेरा तो बैटर ठीक है, मैंने बहुत गीला नहीं किया था इसे, तो मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा ना अनियन डालने से भी इसमें पानी छूटता है, तो आप अनियन की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखें, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि अनियन का जो पानी है वो इसको लूज़ ना करे। तो देखिए यहाँ पर इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें नमक और मसाले सारे मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस में ऑयल रख दिया है कढ़ाई में इनको फ्राई करने के लिए, और हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे और इस पानी को लगा के ना यहाँ पे थोड़ा सा बैटर हाथ में ले लेते हैं। तो इस बैटर को इस तरीके से लेंगे, और ये पानी मैंने इसलिए लगाया जिससे मेरे हाथ में एकदम से चिपके नहीं। तो बस इसको ऐसे थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, थोड़ा शेप दे देते हैं, और उसके बाद अगेन थोड़ा सा पानी बीच की उंगली में डिप करके ना इसको बीच में से ऐसे होल्ड करना है, और फिर बहुत आराम से इसको हाथ में लेके आप इसमें तेल में इसको डाल दें। तो बस यही डालने का मेथड ही यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको ना दो तीन मेथड सिखा रही हूँ, आपको जो भी पसंद आए आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जब मेदू वड़ा को ना लो फ्लेम में ही पकाएं, और हम ना इसे पहली बारी में एकदम गोल्डन नहीं करेंगे, इसको एक बारी हमने ऐसे ही हल्का सा फ्राई करके जो ये थोड़ा अंदर से पक जाए और बाहर से एकदम ब्राउन ना हो, उससे पहले ही हमने इसको उतार लेना है। तो बहुत हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, और देखिए जैसे ये हो गया ना, तो मैं इसको अभी उतार लेती हूँ, और बाद में सारे बनाने के बाद हम इसे एक बार दोबारा से फ्राई करेंगे, जिससे बहुत अच्छे से बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से तो ये ऐसे पक ही जाते हैं। तो इसे उतार लिया है मैंने, अब नेक्स्ट मेथड। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और इस कटोरी पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है, और अब इसके ऊपर मैं बैटर रखूँगी ऐसे, जितना भी आपने बनाना है शेप है उसी हिसाब से, और अगेन बीच की उंगली में पानी लगा के ना बीच में थोड़ा सा ऐसे होल्ड करेंगे, और अब इसको धीरे से इस तेल में उतार लेंगे। मुझे तो ना हाथ से डालने वाला मेथड ही सही लगता है, बट मैं आपको बाकी सब तरीके भी बता रही हूँ, आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे ना जब आपके घर में कभी गेस्ट आने वाले हो तो आप पहले से ही इन्हें हाफ डन करके तैयार कर लीजिए, और उसके बाद जब वो आए तो गरम गरम उनको फिर से फ्राई करके परोस सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा पकने के बाद उतार लेते हैं, और अब मैं आपको थर्ड मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये कड़छी ली है ना, पलटा जो होता है प्लेन वाला, और इसमें भी पानी लगा के मैं ऐसे ही इस बैटर को इकट्ठा कर लेती हूँ, और इसको ऐसे ही राउंड सी शेप देंगे थोड़ा सा, और फिर वही थोड़ा सा पानी लगा के उंगली में एक बीच में छेद करेंगे अच्छे से, और फिर इसको धीरे से इसमें उतार लेंगे। ये देखिए, तो ये निकल गया आसानी से, और इसको भी ऐसे ही हमने पका लेना है थोड़ा थोड़ा सा। इनको ना फ्राई करते हुए हमेशा फ्लेम लो रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अंदर से पकने बहुत ज़रूरी हैं, तभी अंदर से अच्छे से सॉफ्ट होते हैं और अच्छे से पकते भी हैं। तो बस इसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं। मुझे तो ना हाथ से बनाने वाला मेथड ही सबसे अच्छा लगता है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाइए दोनों हाथों में, थोड़ा सा बैटर हाथ में लीजिए, और इसको ना ऐसे घुमा के थोड़ा सा शेप दे दीजिए, जिससे थोड़ा सा राउंड हो जाए इधर उधर से, और फिर थोड़ा सा उंगली में पानी लगाना है, और उसके बाद इस पानी को लगा के ना, जिससे कि ये चिपके नहीं, और यहाँ पे एक छेद कर लेंगे अच्छा सा, थोड़ा सा बड़ा सा छेद रखें, और इससे बीच में होल हो गया है, और बस इसको हाथ में दीजिए और धीरे से
तेल में छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ मैंने अपने सारे मेदू वड़ा बना लिए हैं और मैं उन्हें दोबारा फ्राई कर रही हूँ वही लो फ्लेम पे। और अब मैं इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी, अच्छे से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और अब इनको मैं इसमें उतार लूँगी टिश्यू पेपर में। तो देखिए अब इनका कलर भी अच्छा सा आ गया है। और इसी तरीके से ना आपने सारे वड़ा जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको कि ये कितने अच्छे हो गए हैं, बाहर से अच्छा सा क्रिस्पी और अंदर से ना देखिए सारी फिलिंग इसमें दिख रही है और बहुत अच्छे से फ्लफी हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, थोड़ा गर्म भी हो रहा है ये। तो देखिए ये सब भरने से ना इतने अच्छे और टेस्टी लगते हैं ना खाने में। देखिए इसमें हमारी ये सारी फिलिंग जो है वो दिखाई भी दे रही है। यहाँ मैं अपने मेदू वड़ा को नारियल की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें सांभर के साथ भी खा सकते हैं। नारियल की चटनी और सांभर की रेसिपी का लिंक आपको ऊपर शो कर रही हूँ मैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे बताइएगा कि आपके मेदू वड़ा कैसे बने। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।